मेरी ओर से सभी दोस्त मित्रों दोस्तों एवं देशवासियों को महाशिवरात्रि आने वाले होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं गया शहर 2022 डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के सामने खड़ा हूं। मैं पूर्व प्रदेश महासचिव या जदयू बिहार मोहम्मद शाहिद हुसैन उर्फ मिस्टर प्राइम कठोकर तालाब पाली रोड दुर्गाबाड़ी जिला गया बिहार। ज्ञान नयागर निगम से आप डिप्टी मेयर की कैंडिडेट हैं, भावी प्रत्याशी हैं, तो इस बार ज्ञान नयागर निगम से चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है और क्या एजेंडा है? मैं इस शहर को भय भ्रष्टाचार से मुक्त करा दूंगा विद इन 6 मंथ में, और इस शहर को मैं 11 महीने में प्लानिंग के तहत मॉडर्न टाउन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित करूंगा। और हमारा प्रयास रहेगा हर हाथों को रोज़गार दें, बेरोज़गारी दूर करें। उसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार से जो भी सहयोग लेना होगा उसको लेने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। आज लोग जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी छोटी चीज़ के लिए भी निगम का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, वो सब मैं हर व्यक्ति के घर पहुंचवा दूंगा। जिस विभाग का जो भी अधिकारी होगा उसके जिम्मा कार्य को सौंप दूंगा कि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और ये बारी रोड दुर्गाबाड़ी रोड जब से निगम का चुनाव हुआ विगत 20 वर्षों से, इस जल जमाव को मुक्त होने में 20 वर्ष लग गया। इसके लिए काफ़ी मैं प्रयासरत था, चाहे वो केंद्र सरकार में क्या बोलते हैं नगर भारत सरकार नगर आपको अर्बन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट सभी लोगों को लिखा, राज्यपाल महोदय को लिखा, मुख्यमंत्री को, डीएम कमिश्नर, यानी कि 20 सालों में मैं चिट्ठी लिखने और आवेदन लिखने से बाज नहीं आया। तब इसे जल जमाव से इस रोड को मुक्ति मिली। इसमें हमारे सैकड़ों गाय इस जल जमाव से प्रदूषित जल जमाव के कारण मर चुके हैं, सैकड़ों हम पशु प्रेमी भी हैं, हमारे यहाँ हंस बत्तख बकरा बकरी हमको पालने का काफ़ी शौक़, लेकिन इस जल जमाव के कारण सैकड़ों के संख्या में मरा है। अच्छा, और क्या लगा कि इतने वर्षों में नगर निगम में और गैस शहर में विकास नहीं हो पाया, इस वजह से चुनाव लड़े या कोई आपका नया एजेंडा है? यहाँ तो विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया, सिर्फ लोकल चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया में लोग खाली अपना चेहरा चमकाए, और बाकी इस शहर को तो विश्व में गंदगी के नाम पर नंबर 1 के रूप में इसको नाम दिया गया। अब इससे और बढ़ के सकते हैं, अभी हाल में ही गया को सफाई के मामले में 1 नंबर स्थान दिया गया। नहीं नहीं, वो तो टीवी पे कुछ भी देखिए, जो आज का माहौल है मीडिया का, लोग बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? कोई तो कारण होगा। अगर ये सच्चाई है तो फिर तो जो लोग वर्तमान में हैं उनको तो वोट भी नहीं मांगना चाहिए, जनता खुद चुनाव कर लेगी। मैं अगर जीता विजय हुआ तो ये मैं घोषणा करता हूँ कि मैं दोबारा वोट नहीं मांगूंगा। अगर मेरा काम पसंद आएगा तो जनता खुद वोट करेगी, और काम ना पसंद आएगा तो क्यों वोट करेगी? मेरे कारण क्यों कोई परेशान हो? गया में युवाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे? युवाओं के लिए मैंने बोला कि जो रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, जो भी छोटे कारोबारी हैं, 50,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से दिलाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। और जो पढ़े लिखे युवा युवती हैं उनके लिए मैं 2 से 5 लाख रुपया विदाउट मॉर्गेज और विदाउट बिना किसी गारंटर के दिलाने का काम करूँगा। हर भारतीय को 1 बार सरकारी सुविधा का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि हर लोग कारोबार के लिए ललायत हैं, नौकरी के लिए ललायत हैं, ना उसके हाथ में रोज़गार है ना कोई नौकरी है, इसलिए सारे लोग परेशान हैं। और इसके कारण भी, बेरोजगारी के कारण भी अपराध बढ़ता जा रहा है। इस अपराध को, अगर शहर को और राज्य को अपराध मुक्त करना है तो हर हाथों में रोज़गार देना होगा। सरकार को इस पर चिंता करना होगा कि हाँ किस तरह से हम बेरोज़गारी को दूर करें, ताकि हर व्यक्ति जो है अपना
रोजगार से जुड़ जाए और शहर और राज अपराध मुक्त हो जाए। बिना रोजगार के लोग क्या करेंगे, भूख मरेंगे तो अपराध के दुनिया में कदम रख देंगे, उसके लिए तो गंभीर चिंता का विषय है ये। और जब तक सरकार इस पर सजग नहीं होगी, इस पर गंभीर नहीं होगी, तो अपराध को नियंत्रण कौन कैसे कर सकता है? सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार देना होगा। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि बिना गारंटर बिना मॉर्गेज के एक मौका बेरोजगारों को दिया जाए, शिक्षित युवा युवतियों को दिया जाए।